Yes, friends. Now in the second segment, एक question आया था पहले कि fact in issue और क्या बोला था relevant fact. सुरेंद्र क्या बोला था आपने? Matter in fact. Matter and fact and fact in issue. Matter in fact and fact in issue. They are almost same thing. जो फैक्ट है उसी को हमने कोर्ट के अंदर लाना है, प्रूव करने का प्रोसेस अलग है, उसको इश्यू के रूप में लेना है, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है ना. वी हैव टू प्रूव वन थिंग दैट ही मर्डर्ड दैट पर्सन, दैट इज अ फैक्ट. हमने लायबिलिटी के अंदर लेना है कि यस ही हैड ग्रैब्ड माय 1 lakh rupees, दैट इज अ फैक्ट. तो इसको अगर सीआरपीसी और सीपीसी के प्रोसीजर में लेके जाएंगे तो दैट बिकम्स फैक्ट इन इश्यू, राइट? तो ये दोनों चीजें सेम है. हमारा जो फैक्ट है वही इश्यू है, उसी को प्रूव करना है. इफ इट इज एडमिटेड देन इट इज प्रूव, इफ इट इज नॉट एडमिटेड देन बाय वे ऑफ दिस प्रोसेस एविडेंस इट इज टू बी प्रूव्ड बाय द पार्टी. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. ओके, नाउ लेट्स सी दिस वन. Let's see this word, evidentia. It is a Latin word, evidentia. What it means? Evidentia means be clear. Be clear. Clear हो जाइए भाइयों और बहनों. Evidentia means कि be clear. आपको बिल्कुल संतुष्ट होना है, क्लियर होना है. इट इज द मीनिंग ऑफ एविडेंशिया एंड दिस वर्ड डिनोट्स एविडेंस एक्ट. ठीक है, किसके बारे में होना है हमने क्लियर, ये जरूरी है. सबसे पहले होना है हमने क्लियर होना है एविडेंशिया के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल फैक्ट्स के ऊपर. प्रिंसिपल फैक्ट्स के ऊपर होना है नंबर वन. ओके, नंबर टू सेकंड होना है हमने रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर. प्रिंसिपल फैक्ट्स क्या थे हमारे, फैक्ट इन इश्यू क्या था, उसके साथ रेलिवेंट एक्ट क्या, रेलिवेंसी क्या क्या, किन किन फैक्ट की है उसके ऊपर हमने रेलिवेंट फैक्ट्स के ऊपर क्लियर होना है. क्लियर होना है, इसे समझ लेना आपने. क्लियर, ओके, ये याद रखते रहना है, हर शब्द के साथ लग रहा है. फिर फैक्ट इन इश्यू, उसको और क्लियर करना है. फैक्ट इन इश्यू को क्लियर करना है हमने. इश्यू अच्छे लगवाने हैं, चार्ज ठीक लगवाना है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए हमें कि हमारा जो केस है वो किस लेवल के ऊपर जा रहा है, उसमें फैक्ट इन इश्यू क्या है, राइट? फोर्थ है मोटिव. नोट कर लीजिए इन्हें आप. मोटिव चौथा आ गया. मोटिव पांचवा आ जाता है क्लियरेंस के लिए क्या, प्रेपरेशन. समझाऊंगा भी मैं इस चीज को. फिर उसके बाद आता है हमारा क्लियरेंस चाहिए कंडक्ट. ओके, नेक्स्ट वन है, फिर आती है क्लियरेंस किस चीज की, डायरेक्ट एविडेंस. ये आ गई हमारी सात. फिर आ जाता है हमारा, इधर लिख लेता हूं क्योंकि आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. ओके, एंड फिर है मेंसरिया एंड लास्ट वन इज एक्टस रियस. ये मैंने दोनों साइड का बता दिया आपको, सिविल का भी और क्रिमिनल साइड का भी, क्योंकि जब भी हमने एविडेंस एक्ट को पढ़ना है, डोंट रीड इट इन सिविल साइड और इन क्रिमिनल साइड. हमने जब एविडेंशिया को समझना है तो दोनों साइड को समझना है.
इसको मिक्स नहीं करना है आपने, ना सीपीसी के साथ करना है ना सीआरपीसी के साथ करना है, ये एक अलग एक्ट है, ये एक टूल है। किस लिए? प्रिंसिपल फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए पहले कि व्हाट आर द प्रिंसिपल फैक्ट्स। इट इज द बेसिक नीड ऑफ एन एडवोकेट टू डिसाइड द फेट ऑफ द केस, टू कंडक्ट देयर केस। अगर आपको प्रिंसिपल फैक्ट्स का पता नहीं है then you can't go beyond this. आप आगे नहीं जा सकते, जजमेंट आपके फेवर में नहीं आने वाली है। तो यहां से आपने चलना है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल फैक्ट्स को पहले समझना है, व्हाट आर द प्लीडिंग एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल फैक्ट्स ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट और प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। दोनों साइड को आपने ध्यान से चलना है। प्रिंसिपल फैक्ट पता लग गया? प्रिंसिपल फैक्ट क्या है? मर्डर हुआ है, यहां पर इंजंक्शन मतलब आपने किसी ने आपकी जमीन के ऊपर कोई एनक्रोचमेंट करनी शुरू करी है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको समझने के लिए। तो दिस इज द प्रिंसिपल फैक्ट। सेकंड वन क्या है? रेलिवेंट फैक्ट्स क्या है उसके साथ साथ, व्हाट आर द रेलिवेंट फैक्ट्स। अभी आप डेफिनेशन में मत जाइएगा, सिर्फ इसको बेसिक समझिए, क्योंकि डेफिनेशन बाद में आएगी। अभी आगे जब हम एविडेंस एक्ट के अंदर जाएंगे, अभी एविडेंस एक्ट का कोई नामो निशान नहीं है यहां पर, सिर्फ आपको एक मैं थ्योरी दे रहा हूं अभी तक। दिस इज अ थ्योरी ऑफ एविडेंशिया, राइट? अगर ये सब चीजें क्लियर होगी तब हमारे को कोई ऐसी चीज एड करेगी जो कि कोर्ट प्रोसेस को आगे लेके चलेगी विथ रूल्स एंड क्लॉज, उसे कहेंगे हम फिर एविडेंस एक्ट। अभी एविडेंस एक्ट के लिए ये चीजें जरूरी है, एविडेंस के लिए प्रिंसिपल फैक्ट होना, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट होना, फैक्ट इन इश्यू क्या है, इन प्रिंसिपल फैक्ट से फैक्ट इन इश्यू क्या निकल रहा है फ्रेंड्स, इश्यू चार्ज, राइट? तो ये चीज होना बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको कि चार्ज या इश्यू क्या है इस प्रिंसिपल फैक्ट के बीच में से, इन रेलिवेंट फैक्ट के बीच में से इश्यू क्या निकल रहा है हमारे पास, फैक्ट इन इश्यू क्या निकल रहा है। ओके, इसके आगे चलेंगे फिर हम, अगर हम क्रिमिनल साइड का है या सिविल साइड का है, दोनों साइड में मोटिव जरूरी है। मोटिव क्या है? व्हाट इज द मोटिव? क्रिमिनल साइड के अंदर मोटिव है, मैंने ये काम करना है, इलीगल वर्क करना है, इलीगल एक्ट करना है। और दूसरी तरफ भी अगर मोटिव को देखा जाए सिविल साइड में, तो देयर इज ए मोटिव ऑफ ग्रैबिंग द प्रॉपर्टी, to defraud some person in civil manner, और किसी भी आदमी को हानि पहुंचाने का है, that is the motive, right? तो अब सुरेंद्र आपने ध्यान से सुनना बेटे जरा, जो आपका question था वो यहीं से निकल के आ रहा है, right? Not सुरेंद्र only, but all. क्रिमिनल में कैसे लगता है ये चीजें सामने आ रही हैं? निकल के सामने आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए मुझे। जी सर। आ रही है ना? ना यहां मैंने सीपीसी कहा, ना यहां मैंने सीआरपीसी कहा, मैंने सिर्फ एविडेंस क्लियर करने के एविडेंशिया की बात करी। तो प्रिंसिपल फैक्ट दोनों साइड, रेलिवेंट फैक्ट दोनों साइड, फैक्ट इन इश्यू दोनों साइड, मोटिव दोनों साइड। अब मोटिव सिविल में कुछ और है, क्रिमिनल में कुछ और है उसका क्राइटेरिया। हाउ टू डिफाइन द मोटिव, हाउ टू डिस्टिंग्विश द मोटिव एंड हाउ टू असर्टेन द मोटिव, ये अलग अलग है दोनों के अंदर, लेकिन है जरूर। क्यों, क्या करना है हमें, इन चारों को क्लियर करना है। किस लिए? एविडेंशिया को। ओके, फिर प्रेपरेशन की जरूरत है। मोटिव हो गया, मोटिव के बाद हमने प्रेपरेशन करनी है। क्रिमिनल साइड में किसी ऑफेंस को करने के लिए भी प्रेपरेशन होगी, सिविल साइड में भी किसी भी काम को करने के लिए प्रेपरेशन होगी, लीगल वर्क करने के लिए, इलीगल एक्ट करने के लिए होगी कि नहीं होगी। इफ आई वांट टू एनक्रोच अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ सम अदर, व्हाट आई विल डू, आई विल पुट सम गार्बेज देयर, आई विल पुट सम ईंट पत्थर एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर मैंने किसी का कोई कुछ हार्म करना है तब भी कोई प्रेपरेशन होगी, सिविल साइड भी होगी, क्रिमिनल साइड भी होगी, राइट? उसके बाद आता है कंडक्ट। व्हाट इज द कंडक्ट ऑफ द पर्सन, एक्यूज का कंडक्ट क्या है या रॉन्ग डोअर का कंडक्ट क्या है? एक्यूज सिविल साइड, रॉन्ग डोअर क्रिमिनल, सॉरी
accused criminal side and wrongdoer civil side. Conduct देखा जाएगा pre-conduct करने के बाद का conduct, post-conduct, post-work है ना. तो ये conduct आगे आएगा बड़े अच्छे क्लियर तरीके से आएगा ये चीजें, लेकिन conduct देखना जरूरी है हमें. किस लिए? टू क्लियर ऑल बी क्लियर एविडेंशिया क्लियर करने के लिए ये पहुंच गए हम कंडक्ट तक. इसके बाद अगला आता है डायरेक्ट एविडेंस. प्रिंसिपल फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, मोटिव, प्रेपरेशन, कंडक्ट के बाद इन सब चीजों को कनेक्ट करने के लिए एविडेंस चाहिए. कैसी? डायरेक्ट एविडेंस. या तो एविडेंस होगी डायरेक्ट सीधी, यस आई हैड सीन दैट पर्सन, ही वाज कमिटिंग सच ऑफेंस इन माय प्रेजेंस, ठीक है. या फिर हां मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट बना है, मेरे सामने इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के जमीन के ऊपर कब्जा किया है या करने की कोशिश की है, राइट फ्रेंड्स. तो ये आ गया डायरेक्ट एविडेंस. ओके, उसके बाद डायरेक्ट एविडेंस आ गया ना. इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि हर जगह डायरेक्ट एविडेंस हो. टू क्लियर, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आल्सो. कुछ उन चीजों के सर्कमस्टांस के हिसाब से हम कोर्ट डिसाइड करती है कि यस दीज आर द सर्कमस्टांसेस व्हिच आर इन्वॉल्विंग सर्टेन पर्सन इन सम गिल्ट और इन सम लायबिलिटी. सर्कमस्टांसेस डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस. नेक्स्ट वन है मेंस रिया. ये जो दो चीजें हैं, भले ही ये चीज और ये चीज आपने आईपीसी में पढ़ी होगी, हम इनको कहां लेके जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ कंस्टिट्यूट कर भी कंस्टिट्यूट इट ओनली इन द क्रिमिनल साइड. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंस रिया? मेंस रिया का मतलब है गिल्टी इंटेंशन. गिल्टी इंटेंशन कैन बी ग्रैब्ड इन फेवर ऑफ सीबीसी और इन सीआरपीसी. चाहे वो आईपीसी की गिल्टी इंटेंशन हो या किसी की जमीन जायदाद, किसी को धोखा देना, किसी के खिलाफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, किसी की प्रॉपर्टी को हड़पना, किसी के खिलाफ ऐसा कोई कार्य करना जिससे उसको लॉस हो, दैट इज कॉल्ड एज मेंस रिया. Is it right or not? आज तक मैं समझता हूं कि आप मेंस रिया को सिर्फ सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी ही देखते हैं, लेकिन टू क्लियर अगर करना है एविडेंशिया के अंदर तो मेंस रिया दोनों तरफ होना चाहिए, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी. गिल्टी इंटेंशन, दो दिस वर्ड इज इन आईपीसी ओनली, बट नो लॉ में अगर देखा जाए तो मेंस रिया मींस गिल्टी इंटेंशन. इट इज नॉट ओनली कनेक्टेड विद द ऑफेंसेस, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द क्रिमिनल ऑफेंसेस. तो मेंस रिया होना जरूरी है गिल्टी इंटेंशन, एंड देयर आफ्टर एक्टस रियस. एक्टस रियस इज आल्सो मेंशन्ड इन 34 आईपीसी, बट नो मेंस रिया के साथ एक्टस रियस मतलब एक्ट होना जरूरी है. जब एक्ट हुआ है किसी भी तरफ हुआ है, चाहे सिविल साइड हुआ चाहे क्रिमिनल साइड हुआ है, दिस इज ऑल्सो टू बी क्लियर. और ये बड़ी मैक्सिम है आईपीसी के अंदर, हम देखते हैं मेंस रिया और एक्टस रियस के ऊपर. गिल्टी इंटेंशन से किया हुआ काम वो वहां पे एक गिल्ट बनाता है, एक ऑफेंस बनाता है, लेकिन मेंस रिया रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ मैटर्स आइदर सिविल और इन क्रिमिनल. सिविल केसेस को हमने लेके जाना है तब भी गिल्टी इंटेंशन होगी. मैं एक ट्रक ट्रैक्टर लेके जा रहा था, उसके अंदर पत्थर थे और चलते चलते वो ट्रैक्टर उल्टा हुआ और पत्थर उस खेत के अंदर गिर गए जो किसी और का था, तो क्या ये गिल्टी इंटेंशन थी? बोलिए आप, नहीं ना. देयर वॉज नो मेंस रिया. नो वन कैन सू मी कि जिसने पत्थर वहां ट्राली उल्टा दी. नो, जब तक कि जान बूझ कर मैं उस ट्राली को वहां खाली नहीं करता हूं, किसी पर्टिकुलर चीज को बचाने के लिए मुझे किसी की प्रॉपर्टी में कोई काम करना पड़ रहा है,
That was a fair trial. Good faith के अंदर जो किया हुआ कार्य है, that doesn't come under neither in CPC, neither in CRPC, neither in IPC, neither in any substantive act of civil side. Is it right, friends? Clear है सारा? Yes, sir. समझ आई ना बात? तो इन चीजों को आप एक छोटे से बक्से में बंद मत करना. मेंजरी एक्टस रियस को ये हर जगह चाहिए, चाहे सिविल है चाहे क्रिमिनल है. उसमें प्रिंसिपल फैक्ट के साथ रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, मोटिव, गिल्टी मोटिव, उसके बाद प्रेपरेशन, उस गिल्टी मोटिव की प्रेपरेशन, फिर उसका कंडक्ट और डायरेक्ट एविडेंस किसकी, एक्टस रियस की या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस किसकी, एक्टस रियस की जो काम हुआ है. These are the contents जो कि evidentia के थ्रू क्लियर करने हैं. और जो बी क्लियर वर्ड है, evidentia जो वर्ड है, that brings out our individual act that is called as Indian Evidence Act. Right, friends? Yes, sir. बाकी कहां चुप हो गए? बाकी बोलिए जरा फटाफट से. अपने माइक ऑन कर रखी है आप यार, टाइम वेस्ट होता है मेरी रिकॉर्डिंग, मुझे बहुत काम करना पड़ता है इन चीजों को निकालने में. फिर दैट शुड बी अ वेरी फास्ट कन्वर्सेशन, मुझे भी लगता है थोड़ा सा बात करने से आपसे अच्छा लगता है. सब क्लियर है अब? यस सर. हाँ, थोड़ी आवाज को थोड़ा ना ऊंचा रखा करो, मजबूत आवाज होनी चाहिए. ठीक है जी सर. हाँ, गुड. तो किसी का कोई डाउट हो? नो सर. पक्की बात है? बिल्कुल जी. हाँ, तो अब ये हमारा एविडेंशिया क्लियर था माइंड कि एक एडवोकेट होने के नाते, एक कोर्ट होने के नाते क्या क्या चीजें हमें क्लियर करनी है, वो सारी चीजें आपके सामने आ गई. अब इनको कनेक्ट करने के लिए देर आर सर्टन रूल्स ऑफ एविडेंस. व्हाट आर दोज रूल्स? रूल्स ऑफ एविडेंस है, रूल्स ऑफ एविडेंस. रूल्स ऑफ एविडेंस में क्या क्या आता है? इन लीगल टर्म्स एविडेंस कवर्स द, क्या क्या कवर करता है? रेलिवेंट फैक्ट आए, फैक्ट इन इश्यू आए, बर्डन आया, मोटिव आया, कंडक्ट आया, मेजरी आया, डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक्टस रियस वगैरह सब कुछ आ गया. लेकिन आपको एक चीज अभी और समझनी है कि जिस व्यक्ति ने फैक्ट इन इश्यू लगवाया है उसके ऊपर क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ. बर्डन ऑफ प्रूफ है कि नहीं है, बताओ? बर्डन है ना? तो एविडेंस के अंदर सब चीजें समझ ली. कोर्ट बैठ गया है, चलान पेश हो गया है, दावा दायर हो चुका है दोनों साइड, तो हमें क्या करना है? बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा. फिर मैंने पहले कहा था आपको, चार्ज लगने के बाद एविडेंस शुरू होगी या इशू लगने के बाद एविडेंस शुरू होगी, तो जिसके ऊपर इशू लगा है सिविल में या प्रोसिक्यूशन के ऊपर चार्ज है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है टू ब्रिंग ऑल रेलिवेंट एविडेंस, ऑल रेलिवेंट फैक्ट, ऑल सर्कमस्टांसिस, ऑल कंडक्ट रिगार्डिंग मोटिवेशन, रिगार्डिंग प्रेपरेशन, रिगार्डिंग मेंसरिया, रिगार्डिंग एक्टस रियस, एंड देयर शुड बी अ डायरेक्ट और द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस टू प्रूव दिस बर्डन. Is it right? The burden of proof जो है वो important है. This is the basic rule of evidence. Burden of proof. इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं. Burden of proof. Burden of proof. Second one है, burden of proof को कैसे हम प्रूव कर पाएंगे friends? Burden of proof को प्रूव करने के लिए हमारे को चाहिए एविडेंस. कौन सी एविडेंस? प्रिंसिपल एविडेंस जो पहले करा, रेलिवेंट एविडेंस, राइट?
तो उन दोनों एविडेंस की जो वैल्यू है क्या वो वैल्यू है डायरेक्ट वैल्यू है उतनी कि कोर्ट उसको एडमिट करे। हमने थोड़ा पीछे पढ़ा इस चीज को, तो कोर्ट के अंदर वही एविडेंस लानी है जो कि बेस्ट एविडेंस हो, कोर्ट के अंदर वही लानी है जो फैक्ट इन इशू से रिलेट करती हो, कोर्ट के अंदर वही एविडेंस लानी है जो फैक्ट इन इशू तक कंस्ट्रेन हो, उस तक हो। तो जब वो चीजें लानी है तो कोर्ट देखेगा कि वेदर दिस एविडेंस विच हैज बीन ब्रॉट बाय द पार्टी अपॉन हूम द बर्डन ऑफ प्रूफ इज दैट इज एडमिसिबल और नॉट। समझ गए? एडमिसिबल, दिस इज ए वर्ड, एडमिसिबल मतलब एडमिट करने लायक है, मानने लायक है कि नहीं है, ये एडमिसिबल होनी जरूरी है बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर। जो बर्डन आपके ऊपर प्रूफ करने के लिए है उससे रिलेटेड जो एविडेंस है बेस्ट एविडेंस है, फैक्ट इन इश्यू से मिलती है, फैक्ट इन इश्यू के तक कंस्ट्रेन करती है, हियर से नहीं है, तो दैट विल बी एडमिटेड बाय द कोर्ट फॉर स्क्रूटनी। तो ये एविडेंस कौन सी होनी चाहिए? एडमिसिबल होनी चाहिए, दैट इज द रूल ऑफ एविडेंस। ये नहीं कि बात कहीं और की चल रही है, एविडेंस कहीं और की उठा के ले आओ, नो, दैट शुड बी इन रेलिवेंस, इन कनेक्टिविटी विद द फैक्ट इन इश्यू, फैक्ट्स के ऊपर, इश्यू के ऊपर होनी चाहिए आपकी। एडमिसिबिलिटी के बाद अगली जो आती है वो आते है रेलिवेंस। रेलिवेंस, यू नो व्हाट इज रेलिवेंस? जानते हैं आप सब, रेलिवेंस मतलब उस पर्टिकुलर चीज से संबंधित होनी चाहिए, उससे रेलिवेंसी होनी चाहिए, उससे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसके संदर्भ में होनी चाहिए वो बात। रेलिवेंस, एविडेंस वही एडमिसिबल होगी जो रेलिवेंस होगी किसके साथ, बर्डन ऑफ प्रूफ जो फैक्ट इन इश्यू है उसके साथ रेलिवेंट होना चाहिए। देन अगर ये तीन चीजें होगी, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है वो हमने क्लियर कर लिया, उसके बाद एडमिसिबिलिटी दे दी हमने, एविडेंस एडमिसिबल एविडेंस दे दी, दैट इज रेलिवेंट टू द बर्डन ऑफ प्रूफ फैक्ट इन इश्यू, देन उसके बाद कोर्ट देखेगा और उस पर्टिकुलर चीज को क्या करेगा, कोर्ट उसको वेट करेगा तोलेगा उसको कि क्या है ये चीज, दोनों साइड की वेट करेगा, आराम नहीं करेगा, वे मतलब एक दूसरे की रेलिवेंसी, एडमिसिबिलिटी, बर्डन ऑफ प्रूफ से फैक्ट इन इश्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एविडेंस कितनी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, सर्कमस्टेंशियल है या प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ओरल है, डॉक्यूमेंट्री है, उन सब चीजों को वेट करेगा और फिर सफिशिएंसी देखेगा वो, हु इज सफिशिएंट, सफिशिएंसी है, सफिशिएंसी देखेगा, सफिशिएंसी, हाँ सफिशिएंसी, सफिशिएंट है कि नहीं है, इज इट सफिशिएंट टू डिसाइड अ मैटर फैक्ट इन इश्यू, बर्डन ऑफ प्रूफ हैज बीन डिस्चार्ज और नॉट, ठीक है, ऑफ व्हाट, किसकी सफिशिएंसी देखेगा, ऑफ व्हाट शुड बी एडमिटेड इनटू द रिकॉर्ड ऑफ ए लीगल प्रोसीडिंग। इन सब चीजों की जितनी भी हमने बातें करी, एविडेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ, एडमिसिबिलिटी, रेलिवेंस, वेट, सफिशिएंसी, क्या इट इज सफिशिएंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द मैटर, राइट, और कोर्ट इन चीजों को एडमिट करेगा तब जाके एक फैसला आएगा, चाहे वो सीपीसी का हो चाहे वो सीआरपीसी का हो। तो दीज आर द रूल्स ऑफ एविडेंस, इन रूल से बाहर एविडेंस अगर गई तो यू कांट बी सक्सीडेड, इट इज वेस्ट वर्क कहलाया जाएगा। तो अगर ये जो आज का जितना टॉपिक था, इन सब चीजों के ऊपर यदि आप ध्यान दें, इनको दोबारा दोबारा पढ़ें और बुक्स के साथ भी जाएं, और भी हमारे पास काफी सोर्सेज हैं, उन सब चीजों से आप अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाएंगे, देन आई एम वेरी श्योर दैट आपको कभी भी एविडेंस से डर नहीं लगेगा दोस्त।
ये फैक्ट्स रूल्स क्लासिफिकेशंस और जितने भी हमारे क्लियरेंसेस हैं उन सब चीजों को यदि आपके माइंड के अंदर बैठ गई वो सब चीजें क्लियर हैं, बी क्लियर एंड क्लियर। बी क्लियर क्या करना है, एविडेंशिया बी क्लियर, और अगर आपने उन्हें क्लियर कर दिया, आपने आपका दिमाग क्लियर है, आपका माइंड बिल्कुल सेट है कि मुझे क्या करना है, तो आई डोंट थिंक कि आप अच्छे तरीके से नहीं निभा पाएंगे। यू विल बी वेल एंड वेल कन्वर्सेंट विद द फैक्ट्स, यू विल बी व्हाट आई कैन से, यू कैन कंडक्ट योर केस इन अ वेरी वेरी गुड मैनर। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये जो चीजें हैं इनको दोबारा दोबारा अपने माइंड में बिठा लीजिए। बर्डन ऑफ प्रूफ करना है, एडमिसिबिलिटी कौन से एविडेंस देनी है, रेलिवेंस है कि नहीं है, उसका वेट करने के लिए कोर्ट के पास आपकी फेवर करने के लिए कितना मटेरियल है और आप कितने सफिशिएंटली उसको डिस्चार्ज कर पा रहे हैं ताकि आपके एविडेंस को एडमिट किया जाए। राइट फ्रेंड्स, बोलिए। अपने स्पीकर ऑन कर लीजिए जरा आप। Give me your speakers now. Give me your voice. हाँ, किसी का कोई डाउट? है कुछ? No, sir. No? Very good. हाँ, हमारे एडवोकेट साथी जो हैं, जसमीत का कोई डाउट नहीं है क्योंकि शी इज ऑनली स्टूडेंट एट दिस स्टेज और जितना इसने समझ लिया वो काफी है, लेकिन एडवोकेट होने के बाद देयर आर सर्टेन थिंग्स जो एक एडवोकेट के माइंड में आती रहती हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में भी कुछ आए, और जब तक आपका दिमाग कुछ सोचने नहीं लगेगा, कुछ निकालने नहीं लगेगा, हर चीज से निकालने निचोड़ने नहीं लगेगा, देन यू कांट बी अ गुड एडवोकेट, कांट बी। तो अपने दिमाग को घुमाते रहिए, नेगेटिव नहीं सोचना है लेकिन पॉजिटिव व्यूज, उसको और क्लैरिटी के लिए आप लोगों को चलना है। आज मैं इतना ही करूंगा क्योंकि काफी हो गया, इट इज ए प्रोसेस, ज्यादा खाएंगे तो आज बेसिक जो चीजें थी वो हमने कर ली, जैसे सीपीसी शुरू करी थी, सीआरपीसी शुरू करी थी, तो एक बेसिक आइडिया हमने पहले लिया था, तो आई होप कि आपने फिर इजीली उस चीजों को समझा होगा। दिस आर नॉट, ये जो लेक्चर्स हैं आई डोंट थिंक कि ये कहीं भी आपको मिलेंगे, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर, ये कोई लेक्चर्स कहीं से उठाए हुए नहीं है, या जितना आज बाकी है ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैंने थोड़ा सा बुक के साथ सहारा लेकर थोड़ा अच्छे से एलोबरेट किया है, तो दिस इज पर्सनल नॉलेज और पर्सनल एफर्ट है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी होना जरूरी है, किन किन चीजों की क्लैरिटी होना जरूरी है। किताब तो कोई भी पढ़ सकता है, एविडेंस एक्ट को पढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे अच्छे एडवोकेट हैं और जजेस हैं, इवन टीचर्स हैं, हमारे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो मेरे से भी ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं उनको तरफ ना जाते हुए ये बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली हम इन चीजों को कैसे समझें। जो प्रॉब्लम्स डेली कोर्ट के अंदर आती हैं, मैं बार बार कहता हूं कि मैं जुडिशरी की तैयारी नहीं करवा रहा हूं, जुडिशरी की तैयारी आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कब होगी। अगर आप एक अच्छे एडवोकेट की तैयारी कर लोगे तो यू आर एवरीवेयर, कहीं भी आप कभी भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, यू डोंट नीड टू गो इन द बुक्स, प्रैक्टिकल आप समझ लीजिए सारा। कई चीजें ऐसी हैं किताब में कुछ और लिखी हैं, लेकिन वहां प्रोसीजर जब कोर्ट के अंदर आता है तो वहां कुछ और होता है, वहां कई चीजें ऐसी रहती हैं जो कि प्रोसीजरली वहां किताब में है ही नहीं है, लेकिन कोर्ट ने अपना प्रोसेस बनाया हुआ, और ये इट डिफर्स फ्रॉम कोर्ट टू कोर्ट। एक ही जिला के अंदर, एक ही न्यायालय के अंदर चार कोर्ट है, चार जजेस अपने अपने तरीके से प्रोसेस को चला रहे हैं, प्रोसीजर को चला रहे हैं, ठीक है, तो वो अलग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि लॉ से बाहर है, लेकिन टू फैसिलिटेट द सिस्टम, फैसिलिटेट द सिस्टम, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन बेसिक लॉ के साथ लोग चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, किसी का कोई डाउट हो तो बताइए जरा जल्दी से मुझे, ताकि कल फिर हम बेसिक एक्ट के ऊपर आएंगे। इज देयर, करिए जो अपने वर्ड,
कुछ बात करिए। मैंने आपसे पहले कहा था कि आप लोग मेरे विजिलेंट आईज हो, बिकॉज इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा भी एक पहला तजुर्बा है क्लासेस का, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे अच्छे दोस्त और साथी बन के मुझे एक्टिवेट करें, साथ में मेरी जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उन सबको भी आप थ्रेश करें, ताकि जो अगला सेशन मैं किसी और के साथ लूं और अगली क्लासेस लूं, तो वहां पर मुझे आपकी भी याद आती रहे और आपके दी हुई वैल्यूएबल सजेशंस और सपोर्ट मुझे फायदा दे उन बच्चों के साथ बात करने का। तो प्लीज आप करिए, थोड़ा सा डिस्कस करिए। सर जो आपने वाटर स्टेट की बात की है ना सर, छह मिनट है। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। सर जो आपने बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करी है ना सर, वो शिफ्टिंग है या नॉन शिफ्टिंग है? अभी तो मैं शिफ्टिंग और नॉन शिफ्टिंग की तो बात नहीं कर रहा हूँ अभी बेटा, जनरली नहीं।